सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज रस की श्रृंखला में हम अद्भुत रस का अध्ययन करेंगे। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। बच्चों, जब हम किसी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखते हैं जिसको देखकर कि हमारे मन में उत्सुकता जाग उठती है, हम उसको एक टक देखते रह जाते हैं, वैसी अनोखी और अद्भुत चीज़ हमने पहले नहीं देखी होती है, तो जो मन में विस्मय उत्पन्न होता है उसी को अद्भुत रस कहा जाता है। अद्भुत रस के अव्यय देखते हैं। स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति, और उद्दीपन विभाव है अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण या कीर्तन। अनुभव, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि। और संचारी भाव है उत्सुकता, आवेग, भ्रांत, धृति, हर्ष, मोह आदि, ये सब इसके संचारी भाव हैं। कुछ अद्भुत रस के उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृल पुलुकात। तो माँ है वो हरि के मुख में, मतलब ईश्वर जो है वो बच्चे के रूप में है, और उनके मुख में वो सारे संसार को, सारी जो निर्जीव सजीव वस्तुएं हैं उन सबको देखती हैं, तो वो चकित रह जाती हैं और उनको, उनके मुंह से वचन नहीं निकल पाते हैं, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर एक और उदाहरण देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह भई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसमें वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं, तो उनकी माता यशोदा जो है वो उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुंह खोलकर दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण जो है वो मना करते हैं कि नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। पर माँ के कहने पर जब वो मुंह खोलकर माँ को दिखाते हैं तो माँ देखती है कि उनके मुख के अंदर सारा विश्व जो है, सारी पृथ्वी जो है वो नज़र आ रही है। और ये देख कर माँ जो होती हैं वो एक बार के लिए अचेत हो जाती हैं, मतलब कि बेहोश हो जाती हैं और वो हिल तक नहीं पाती हैं। तो बच्चों, अद्भुत रस को देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के मुंह में उनको सारा संसार नज़र आता है। तो शरीर की अद्भुत क्षमताएं या विशेषताएं या किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिससे कि हमारा मन विस्मय से भर जाए, जिस पर कि विश्वास करना मुश्किल हो जाए, तो वो सब चीज़ें अद्भुत रस के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।